स्टूडेंट्स कंसेप्ट ऑफ द डे एपिसोड 26 स्टार्ट करते हैं। आज का जो एपिसोड है वो काइनेमेटिक्स से कंसीडर किया गया है। कई बार देखा गया है जेई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन होता है बच्चों? आपको बोलते हैं कि एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू बी टी क्यूब, ठीक है, एंड जेड इक्वल टू जीरो। इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं और आपको बोलते हैं फाइंड आउट स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अगर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं तो पार्टिकल की स्पीड फाइंड आउट करने को आपको बोल देते हैं। तो कई बार इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, लेकिन ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं इसको करने का। आप देखिए, आपको एक्स वाई जेड दे रखे, एक्स वाई जेड तीनों दे रखे, स्पीड पूछी गई है पार्टिकल की, तो एक्स वाई जेड गिवन है। आप सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको ना ऐसे लिख लो, R वेक्टर। R वेक्टर होता है बच्चों x i कैप, y j कैप, z k कैप, ये होता है हमारा R वेक्टर। अब अगर R वेक्टर आपने लिख लिया तो इसको थोड़ा सा अच्छा करो, at स्क्वायर i कैप प्लस bt क्यूब j कैप, तीसरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए। अगला स्टेप क्या करेंगे, स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड फाइंड आउट करने से पहले आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों? dr वेक्टर बाय dt। तो आप क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन कर दें। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना आता है तो क्लास 11th की पैरेलल सीरीज चल रही है, वहां पे डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा चुका है। आप पहले 4 एपिसोड्स देख के अपना डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए dr by dt, चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। at स्क्वायर का बच्चों 280, i कैप रहेगा, और bt क्यूब का 3bt स्क्वायर j कैप, ठीक है। लो, ये हो गया डिफरेंशिएशन। ये क्या है बच्चों? ये है वेलोसिटी वेक्टर। अगर हमसे सिर्फ वेलोसिटी पूछी होती तो हमारा ये आंसर आ जाता, लेकिन हमसे क्या पूछा है, स्पीड। और स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। मतलब अगर हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहे हम लोग निकालें, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालिए इसका, ध्यान से देखो भाई कैसे निकालते हैं। इसका स्क्वायर मतलब 280 स्क्वायर प्लस 3bt स्क्वायर होल स्क्वायर, लोग ऐसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो बस हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या करेंगे, ये आ जाएगा बच्चों 4a स्क्वायर t स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9b स्क्वायर t4, क्लियर। अब आप आगे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कॉमन लेना चाहे कॉमन ले, क्या कॉमन आ रहा है, टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो टी स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले, तो बच्चों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टी स्क्वायर को अगर हमने कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा अपने को, टी स्क्वायर कॉमन आके बाहर आएगा रूट से, तो वो टी बन जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर टी स्क्वायर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो स्पीड। वेलोसिटी पूछी होती तो यहां तक आप रोक सकते थे, समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है, आसान है, बहुत इजीली कर सकते हो। मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं जो काफी काम आएगा आपके, तो उसको आप ट्राई करना। कंसेप्ट अच्छी तरह समझ लो, पहले ये बना लो, फिर उसके बाद आप स्पीड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए होमवर्क क्वेश्चन देखिए। आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं बच्चों, एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यूज आपको दे रखी है। एक्स आपको दिया गया है ए कोस ओमेगा टी, वाई आपको दिया गया है ए साइन ओमेगा टी, और जेड आपको दिया गया है जीरो। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आप क्लास 11th की रेगुलर सीरीज के पहले 4 एपिसोड्स कवर अप कीजिए, कोई भी डिफरेंशिएशन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एक्स वाई जेड आपको तीनों दे रखे हैं। आपसे क्या पूछा गया बच्चों, वही जेड आपको सॉरी दिया ए ओमेगा टी, नॉट जीरो, इट इज ए ओमेगा टी, इट इज ए ओमेगा टी। फाइंड आउट स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं, ऑप्शन ए रूट टू ए ओमेगा, ऑप्शन बी ए ओमेगा, ऑप्शन सी जीरो, एंड ऑप्शन डी रूट थ्री ए ओमेगा, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, इसको सॉल्व कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जेई 2019 के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था, जेई 2019। तो ध्यान से आराम से आप इसका आंसर निकालिए, तरीका आपको बता दिया गया है, और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। फिर डिफरेंशिएशन में कोई डाउट है तो आप एपिसोड 1-4 देखिए क्लास 11th रेगुलर सीरीज का, ओके। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, एक बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।